पेज नंबर 34, जय मंगल अठगाता। तो जैसा इस गाथा का नाम है जय मंगल अठगाता, आठ यानी आठ आठ गाथा है। भगवान के जीवन काल की आठ घटनाएं हैं, एक दो तो सभी को मालूम है, एक बार दोहराते हैं। बहुसहस्र मदिनी मित साउदंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेनमारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्द तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तो ये आठों गाता है। याद करने का बहुत सरल तरीका है, आखिरी की दो लाइनें रिपीट होती है, केवल उसमें शब्द बदल जाता है, दानादि खंती मैतंग, बाकी तो केवल आपको दो लाइनें याद रखना है ऊपर की, तो सारा इस उत्तर आराम से कंठस्थ हो जाएगा। तो पहला है, जिस मिलिंद्र ने सुदृढ़ हाथियों को धारण किए, रिद्धि निर्मित सहस्त्र भुजा वाले गिरिमेखल नाम हाथी पर चढ़े हुए अत्यंत भयानक सेना सहित मार को अपने दान आदि पारमिताओं वाले धम्म के बल से जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। तो ये उस दिन की बात है, वैशाख पूर्णिमा के दिन है, भगवान ने वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ सुजाता ने मन्नत मनाई थी, अपने आप मिन्नत कराते हैं ना, उसने मिन्नत कर रहे थे कि मेरी शादी होगी, अब पहला पुत्र प्राप्त होगा तो मैं खीर अर्पण करूंगी, वृक्ष देवताओं से ऐसी पूजा की थी। तो अपने दासी को भेजती है, अरे जा उस वृक्ष के पेड़ को साफ सफाई लीप लाप के, अपन गोबर से लीपते लीप के आ जा। वो दासी आती है और भगवान उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वो दासी कहती है आज तो साक्षात देवता वृक्ष से उतर कर बैठ मैंने वृक्ष के नीचे बैठे है, बोले आज साक्षात देवता। तो वो अपनी मालकिन को सूचना देने जाती है कि आज तो ऐसा है, तो वो क्या करती है, ऐसे 800 गायों का दूध और 400 गायों को पिलाते हैं, 400 गायों का दूध 200 का, फिर मैंने दूध दूते जाते दूसरे को, ऐसे केवल 8 गाय बचती है, 8 गायों का दूध दोया जाता है, उसमें केवल मधु डालते हैं और ऐसी खीर पकाते हैं, एक और सारे देवता वो खीर की रक्षा करते, एक बूंद भी बाहर नहीं छलकता, और 1,00,000 सोने की पात्र रहता है, उसमें पूरी की पूरी खीर उंडेल देते हैं और भगवान को वो पात्र का पात्र अर्पण करती है। भगवान वो पात्रों को लेके जाते हैं, पहले निरंजना नदी पे नहाते धोते हैं और उसके 49 कौर ग्रहण करते, 49 कौर होते हैं उसके, और बोलते आज यदि मैं बुद्ध होऊंगा ये पात्र धारा के विरुद्ध दिशा में जाना चाहिए, और पात्र को फेंकते हैं। जैसे पात्र फेंकते हैं वो पात्र नागराज रहता है उसके सिर में टकराता है, वो बोलता है अभी कौन बुद्ध होने जा रहा है, क्योंकि सारे बुद्धों की एक ही मैंने परंपरा होती है, वो पात्र फेंकेंगे वो पात्र वहां उल्टे दिशा में जाएगा और वहां जो निवासरत नागराज रहता है उसमें जाता है। अरे बोले अभी अभी तो बुद्ध बने, अभी ये दूसरा कौन बुद्ध बनने जा रहा है। फिर भगवान वापस लौटते हैं, एक घसियारा मिलता है तो उससे 8 मुट्ठी घास लेते हैं, घास लेके आने के बाद भगवान ये बोधि वृक्ष के नीचे आते हैं। जैसे भगवान जब जन्म ग्रहण करते हैं तो ये 7 बातें एक ही दिन में उत्पन्न होती है, यानी भगवान स्वयं उत्पन्न होते हैं, ये बोधि वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी दिन यशोधरा उत्पन्न होती है, उसी दिन कंथक घोड़ा, उसी दिन ये काल उदय उत्पन्न होता है, और ऐसे 4 सोने के घड़े उत्पन्न होते हैं, चाहे कितना भी दान करे वो खत्म नहीं होते, ऐसी 7 चीजें भगवान जैसी जिस दिन जन्म ग्रहण करते उसी दिन पैदा होती है।
तो बोधि वृक्ष भी उसी दिन पैदा हुआ था। भगवान आते हैं बोधि वृक्ष के पास और वो आसन रखते हैं, ये 8 मुट्ठी घास रखते हैं, और जैसे रखते वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है और बोधि मंडप उत्पन्न होता है। बुद्धासन बोलते हैं, बाकी कोई वहां नहीं बैठ सकता, तो बुद्धासन उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने दिशाओं का विचार किया तो दक्षिण दिशा में बैठने के लिए सोचा तो वो पृथ्वी ऐसी तिरछी हो गई थी, तो उन्होंने देखा ये बुद्ध का भार नहीं सहन कर सकती, दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा, वो सब फिर पूर्व दिशा में रहे तो पूर्व दिशा में स्थिर हो गई और फिर भगवान पूर्व दिशा अभिमुख होकर बैठ गए, ये दृढ़ संकल्प के साथ कि चाहे मेरा हड्डी मांस मज्जा टूट जाए मैं उठूंगा नहीं जब तक बुद्धत्व प्राप्त न हो जाए। तब तक भगवान के पास देवता ब्रह्मा पूरे घिरे रहते थे। फिर जैसे ही वो बैठे ऐसा दृढ़ संकल्प लिए, ये मार आता है, सहस्त्र भुजा धारण किए रिद्धि निर्मित, ये गिरी में हाथी पर चढ़े अत्यंत भयानक सेना से मार आता है और मार ने ऐसा प्रयत्न किया कि ये ध्यान न करे, ये सम्यक संबुद्ध न बने। ऐसी आंधी चलाई, ऐसा तूफान चलाया कि वो मार जैसे आता है सारे देवता और ब्रह्मा भाग जाते हैं, केवल मार और भगवान बुद्ध रहते हैं और युद्ध चल रहा है उनके बीच। मार ने ऐसा किया कि इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके तो, लेकिन वो फेंका अने पत्थरों की वर्षा की, लेकिन वो पत्थर आते थे ऊपर में ऊपर, फिर फूल बनकर नीचे गिर जाते, ऐसे अग्नि की ऐसे वर्षा की, बस वो आते हैं अग्नि और फूल बनके नीचे गिर जाते, इस तरह से ये चल रहा है सब। फिर देखा मारने की ये तो तस के मस नहीं हो रहे, फिर अपने पुत्रियों को भेजा, भगवान ने आंख तक नहीं खोली। फिर मार को लगा कि ये तो कुछ नहीं हो रहा है, भगवान ने सोचा कि मैंने इतने जन्मों में दान किया है ये मेरे साथ है, क्योंकि देखा कि भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई भी परिचित नहीं है। तो भगवान ने मार को कहा कि मैंने इतने जन्मों में जो दान किया है ये मेरे पास है, ये पारमिता है। तो वो मार पूछता है तुम्हारा साक्षी कौन है, तुमने दान किया है? तो भगवान ऐसे चीवर में से हाथ निकालते, भूमि को स्पर्श करते, ये पृथ्वी साक्षी है, बोले मैंने इतने जन्मों से दान किया है। इसलिए बोलते मैं बिनी थातु सखी गे, ये पृथ्वी साक्षी है, ऐसे जैसा कहते। फिर वो मार भाग जाता है तो फिर भगवान को तीनों विद्या प्राप्त हो जाती है। तो ये पहले जाता है दान, मां दान आदि पारमिताओं के बल के से उसको जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। मारा तीरे को मादि योजित सदरति गोरं पनालवक माख मदतयखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। ये इतना बड़ा बड़ा है तो उसको तोड़ तोड़ के बोलना है। मारा तीरेक मभियुज्जित सबरति घोरं पना लवक मख मदत यक्खं, इस तरह से पढ़ेंगे, पूरा एक साथ नहीं बोल सकते। मारा तीरेक मभियुज्जित सबरति घोरं पनालवक माख मदत्थयक्खं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते
जय मंगलानी। तो एक बार भगवान आड़वी ग्राम में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, तो भिक्षाटन के लिए जा रहे थे तो सोचा थोड़ा समय है, तो एक खंडर था, उस खंडर में चले गए। चले गए और ध्यान के लिए बैठे, तो उस खंडर का मालिक रहता है आड़वक नाम का यक्ष। तो वो आड़वक यक्ष कहता है, शमन गौतम बाहर निकल। तो भगवान बाहर निकलते, फिर वो कहते हैं शमन गौतम भीतर आ जा, फिर भीतर आते। ऐसा वो तीन बार कहता है, शमन गौतम बाहर निकल भीतर आ जा। चौथी बार वो फिर बोलता है शमन गौतम बाहर निकल। तो भगवान कहते मैं नहीं निकलता, तुमको जो करना हो सो कर। तो आड़वक यक्षक कहता है कि मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगा, मेरे प्रश्न का ठीक ढंग से उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा हृदय मांस नोच लूंगा, पैर पकड़ लूंगा, गोल गोल घुमाऊंगा और गंगा नदी के उस पार फेंक दूंगा। तो भगवान कहते हैं हे आड़वक, इस समस्त ब्रह्मांड में न कोई श्रमण है, न ब्राह्मण है, न देवता है, न ब्रह्मा है, कोई नहीं है जो मेरे हृदय मांस को नोच ले, मेरे पैर पकड़ ले, मुझे गोल गोल घुमाए। इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं है, फिर भी तुम्हारे क्या प्रश्न है पूछ लो। तो उसने पहला प्रश्न पूछा, संसार में कौन सा धन श्रेष्ठ है? क्या प्रश्न है, संसार में कौन सा धन? भगवान ने कहा संसार में श्रद्धा का होना सबसे बड़ा धन है। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान बुद्ध पर और जिस किसी पर है, तो बिना श्रद्धा से कुछ नहीं होता। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा रस श्रेष्ठ है? तो भगवान ने उत्तर दिया, सत्य का रस श्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न, कौन सा जीवन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने उत्तर दिया, प्रज्ञामय जीवन श्रेष्ठ है। जिसके पास प्रज्ञा नहीं कुछ नहीं है, जैसे बैल है, खाता है, पीता है, मोटा ताजा चमड़ी को बढ़ाता है, बैल के पास प्रज्ञा नहीं होती। तो हम भी खाए पिए मोटे ताजे बन गए तो कोई जीवन का कोई अर्थ नहीं है, प्रज्ञा होनी चाहिए। प्रज्ञा के बिना जीवन हमारा अधूरा है। तो वो एक एक प्रश्न पूछता गया और भगवान एक एक उत्तर देते गए। और फिर भगवान ने कहा, हे आड़वक, तुम चाहे तो अन्य संप्रदाय के प्रवचित लोगों के पास जाके पूछ सकते हो कि सत्य, त्याग और प्रज्ञा, इससे बड़ा कोई धर्म है क्या? तो आड़वक यक्ष कहता है, भंते, अब मैं किसके लिए, किसके पास जाऊं? आप ही ने सब चीज का उत्तर दिया है, बल्कि भगवान कृपा करके मेरे यहाँ पधारे, ये मेरे ही हित सुख के लिए हुआ। अब मैं, तू बोलता है, गांव गांव नगर नगर जाऊंगा और भगवान का धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। तो इस तरह भगवान ने कैसे जीत लिया, शांति के बल पर, संयम के बल पर जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से कल्याण हो। नाला गिरिंग जवरं अतिमात भूतं, दावगी चकमसनीव सुदारुनंतं, मैं से कविधि जितो रामुनिंदु। तेज सा भवतु तेजय मंगलानी, तो ये भगवान का विरोधी कौन कौन रहता है? देवदत्त। तो देवदत्त कोशिश करता था कि ये भगवान को कैसे मारे और भगवान का दाहिना हाथ बने, ऐसा वो चाहता था, बना नहीं। तो एक बार उसने ये नालागिरी नामक चंड हाथी रहता है, उसको भयंकर चंड रहता है, उसको बढ़िया शराब पिलाया और वो मद मस्त हो गया। फिर और भगवान ऐसे भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, भिक्षु संग भी था, और उसने दूर से ही वो नालागिरी हाथी को छोड़ा। सारे भिक्षु अलग अलग हो जाते हैं, केवल भगवान अकेले ही रहते हैं। वो नालागिरी हाथी आता है और भगवान ने फिर मैत्री भावना का अभ्यास किया, और मैत्री भावना का जैसा अभ्यास करता है
वो नालागिरी आता है और भगवान की प्रदक्षिणा करता है, नमस्कार करता है, सुंड वगैरह सब नि, और फिर नमस्कार करने के बाद ऐसे उल्टे पांव जाता है, यानी भगवान को पीठ नहीं दिखाते, यानी जैसे हाथ जोड़ के ऐसा उल्टे जाते हैं, फिर वो नालागिरी वापस चला जाता है। भगवान ने कहा, भिक्षु ये जो नालागिरी हाथी मेरे ऊपर आया है वो मेरे ही कर्म का फल है, ये ऐसा भगवान ने बताया। भगवान ने एक बार बताया, भिक्षु एक बार एक प्रत्येक बुद्ध आए हुए थे और वो भिक्षाटन कर रहे थे, तो तब ये जो हमारे भगवान थे वो हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो उन्होंने उस प्रत्येक बुद्ध के पीछे वो हाथी लगाया था और उनको अपमानित किया था। उस कर्म के फल के कारण भगवान ने कहा ये मेरे ऊपर हाथी दौड़ के आया है। और कहा, भिक्षु कुछ कर्म ऐसे होते कि बुद्ध बनने के बाद भी वो कर्म पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा भगवान ने फिर भिक्षुओं को बताया। उके तखगमतिहत सुदारुनंतं, नावंदे योजन पथंगुली मालवंतं, इदि विसंकत मनो जित्वा मुनिन्दो, तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो भगवान रोज सुबह उठते थे और ये एक घंटा मंगल मैत्री का अभ्यास करते थे, मित्र भावना, और वो देखते थे कि आज मुझको किसको उपदेश करना है। भगवान का तो वैसे तो खुला ही था सभी के लिए संसार के, लेकिन विशेष रूप से। तो भगवान ने ध्यान किया और उनके जाल में अंगुली माल आया, अरे आज अंगुली माल की बारी है। तो भगवान श्रावस्ती में भिक्षाटन से निवृत्त हुए, विहार आए और जिधर अंगुली माल रहता है उधर जाते हैं। जाते हैं तो वहाँ चरवाह लोग थे, वो कहने लगे, अरे शमन गौतम उधर मत जाइए, उधर अंगुली माल रहता है। फिर जा वो लोग किसान लोग थे, खेती करने वाले, वो भी बोलते थे, बनते उधर से मत जाइए, उधर अंगुली माल रहता है। वो 10-20 लोगों के हत्ते वो मैंने उसके हाथों चढ़ जाते थे, अकेले की तो बात ही छोड़ दीजिए, 10-20 लोग इकट्ठा जाने का साहस नहीं करते थे। फिर भी भगवान ने ऐसा देखा जैसे सुना ही नहीं और वो सीधा चलते गए। जैसे जाते हैं तो दूर से अंगुलीमाल देखता है, अरे ये आश्चर्य है, बोले कि 10-20 लोग आने का कोई साहस नहीं करते और ये अकेला शमन चला आ रहा है, चलो मैं इसके प्राण ले लूंगा। ऐसा करके अपने तलवार हथियार सब पकड़ लेता है और भगवान चल रहे हैं और वो पीछे पीछे जाने लगा। तब भगवान ने इद्धि दिखाई, इद्धि भी संखत मनो, रिद्धि का प्रदर्शन किया। क्या रिद्धि दिखाई भगवान ने? भगवान सामान्य चाल चल रहे और वो पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा है तो भी नहीं पकड़ पा रहा है, पूरी ताकत लगाता है। तो अंगुलीमाल को आश्चर्य होता है, आश्चर्य, बोले मैं तो दौड़ते हुए हाथी को, घोड़े को, हिरण को पकड़ लेता हूं और ये श्रमण सामान्य चाल चल रहा है, मैं पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा हूं तो भी नहीं पकड़ पा रहा है, आश्चर्य है। फिर वो रुक जाता है, एक जगह रुकता है और कहता है, तिट्ठ तिट्ठ समना, श्रमण रुक जा। तो भगवान बोलते, हे अंगुलीमाल मैं तो रुका हुआ हूं, तू ही चल रहा है। फिर वो पूछता है अंगुलीमाल, ये क्या पहली? बोले श्रमण गौतम चल रहा है फिर भी वो कहता है मैं रुका हूं, और मैं रुका हूं भगवान कह रहे कि तू चल रहा है, ये क्या बात है? और फिर बोलते हैं, ये शमन लोग झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी होते तो मैं पूछूंगा कि इसका क्या मीनिंग है। तो पूछता है कि भंते आप चल रहे फिर भी कहते मैं रुका हूं, और मैं रुका हुआ हूं आप कहते मैं चल रहे, तो इसका क्या अर्थ है? तो भगवान ने बताया, है अंगुलीमाल मैं प्राणियों के प्रति अस्त्र शस्त्र दंड का त्याग करके दया और करुणा के साथ विचरण कर रहा हूं, इसलिए मैं चलते हुए भी रुका हुआ हूं, और तू प्राणियों के प्रति असंयमित है इसलिए तू रुकते हुए भी चल रहा है। बस वो बोलता है, इस महावन में भगवान हमारे लिए आए
वो शस्त्र अस्त्र दंड फेंक देता है और वही भिक्षु बनाते हैं। भिक्षु बनने के बाद भगवान श्रावस्ती में आते हैं। उधर पूरी श्रावस्ती वासी लोग ऐसा हल्ला मचाते हैं कि हमारा राजा कुछ नहीं करता और परेशान करता है, ये अंगुलीमाल को नहीं पकड़ पाता। तो राजा ने सोचा चलो आज अंगुलीमाल को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए ऐसा सोचा। तो 500 घुड़सवारों को लेके राजा प्रसेनजीत निकलता है कि अंगुलीमाल को आज तो पकड़ेंगे। लेकिन सोचता है जाने से पहले चलो भगवान के दर्शन कर ले। तो वो आता है राजा प्रसेनजीत। तो भगवान कहते हैं महाराज, अब आप देखिए भगवान होते हुए भी कितने अच्छे बोलते हैं। हाँ महाराज, आपकी इंद्रिया बड़ी विकलित दिख रही है, बहुत परेशान नजर आ रहे। कोई राजा बिंबिसार युद्ध करने आया है क्या? कोई वैशाली वाले लिच्छवी युद्ध करने आए हैं क्या? तो क्यों परेशान है? तो राजा बोलता है माँ भंते, ऐसी बात नहीं है, न कोई राजा बिंबिसार न लिच्छवी कोई युद्ध करने तो नहीं आ रहे। दरअसल बात ऐसी है, मेरे राज्य में एक अंगुलीमाल नाम का व्यक्ति रहता है, उसने सबको परेशान कर रखा है, उसको पकड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान कहते महाराज, यदि ये अंगुलीमाल कासा वस्त्र धारण करके सिर मुंडाकर दाढ़ी मूछ मुंडाकर भिक्षु बन गया अगर होगा तो आप क्या करेंगे? तो राजा कहता है भंते, हम उसको हाथ जोड़ेंगे, अभिवादन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, भोजन देंगे, पात्र देंगे, लेकिन उस मूर्ख आदमी में ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान क्या करते हैं, बगल में बैठा रहता है अंगुलीमाल, उसका दाहिना हाथ उठा के ऐसा दिखाते, ये रहा अंगुलीमाल। तो वैसे वो राजा डर जाता है खाली शब्द से ही। भगवान कहते हैं महाराज, आपको डरने की कोई बात नहीं, अब वो भिक्षु बन गया है। फिर राजा प्रसेनजीत उससे पूछता है नाम क्या है, गोत्र क्या है। उसका गर्ग गोत्र रहता है अंगुलीमाल का। और उसके बाद राजा वापस चला जाता है। दूसरे दिन ये अंगुलीमाल भिक्षाटन के लिए जाता है तो वापसी में देखता है एक महिला प्रसव वेदना से पीड़ित रहती है। तो वो देखता है प्राणी कितने दुख में है, कष्ट में है। तो वापस वो भगवान के पास आके बोलता है भंते, मैं जब भिक्षाटन से लौट रहा था तो मैंने एक महिला को देखा जो प्रसव वेदना से बहुत पीड़ित थी। तो भगवान क्या बोलते, तू अंगुलीमाल तू जा और ऐसा बोल कि जब से मैंने जन्म ग्रहण किया है तब से मैंने किसी प्राणी को जानबूझ के हत्या नहीं की, ये वचन सत्य है, इस सत्य वचन से तेरा और तेरे गर्भ का मंगल हो, ऐसा जाके बोलो। बोले अंगुलीमाल बोलता है भंते, ये तो झूठ हो जाएगा, मैंने इतने प्राणियों की हत्या की। तो भगवान बोलते तू ऐसा जाके बोलना, जब से मैंने आर्य जीवन धारण किया है तब से मैंने किसी प्राणी की हत्या नहीं की, ये वचन सत्य है और सत्य वचन से तेरा और तेरे गर्भ का मंगल हो। फिर ये जाता है पुनः अंगुलीमाल और वो गाथा में बोलता है। वो गाथा पेज नंबर 146 पे देख लीजिएगा, वो गाथा है 146 पे लिखी हुई है। तो वो गाथा बोलता है तीन नंबर लाइन में, पेज नंबर 140। बाद में ये अंगुलीमाल सूत्र अलग से लेंगे, अभी केवल गाथा बोलते हैं। 146 में मिली क्या अंगुलीमाल सुत्त है, तो उसमें ये तीसरे नंबर की लाइन, यतो हं भगिनी, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, यतो हं भगिनी अरियाय जातिया जातो ना भी जानामी सचिंच पाणं जीविता वोरुपेता तेन सच्चेन सोथिते होतु सोथि गभसाती। ये है अंगुलीमाल सूत्र एक्चुअली, यानी भगिनी ये मैंने आर्य जन्म में पैदा होकर जान बुझकर प्राणीवत करना नहीं जानता, इस सत्य वचन से तेरा और तेरे मंगल का, तेरा और तेरे गर्भ का मंगल हो,
ऐसा वो बोल के वापस आ जाता है। जैसे आता है वो महिला प्रसव वेदना अरे पुत्र को जन्म देती है और प्रसव वेदना से मुक्त हो जाती है। ऐसा लोगों ने बहुत बार अप्लाई भी करके देखा है, बहुत सक्सेसफुल है ये वाला। लेकिन ये तीन बार ऐसा बोलना पड़ता है, यतोहं भगिनी अरियाय जातिया जातो नाभिजानामि सच्चिंच पाणं जीविता वो रूपित्वा तेन सच्चेन सोथिते होतु सोथि गभ साति। तो ये अंगुलिमाल सूत्र के नाम से फिर फेमस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। कत्वान कट मुदरं इव गबिनिया चिंचाय दुट्ट वचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जितवा मुनिन्दु तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो ये कथा तो 10 दिन के प्रवचन में आई जाती है। चिंचा नाम की महिला ने स्वांग रची थी और भगवान बढ़िया उपदेश कर रहे थे, सारे राजे महाराजे सारा सृष्टि वर्ग था, और ये गालियां देने आती है कि हे मतमुंडे तेरे होने वाले पुत्र के लिए कोई नहीं, तो इतने बड़े बड़े लोग है भक्त है वो प्रबंधक करे। जैसे ही वो चिंचा नाम की महिला ने गाली के शब्द कहे, देवताओं का राजा शक्र होता है, उसने देखा कि भगवान को कोई गाली देता है, चार देव पुत्रों को भेजता है, और चार देव पुत्रों को भेजने के बाद वो चूहे का रूप धारण करते हैं, लहंगे में घुसते, एक ही झटके में रस्सियां काटते हैं। जैसे रस्सियां कटती है वो लकड़ी का टुकड़ा उसके अंगूठे पे गिरते हैं, तो ये पांचों की पांचों अंगुलियां टूट जाती है, अलग हो जाती है, यानी इतना दुख हो जाता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो जैसे फिर वापस जाती है और भगवान के आंखों के सामने अलग हो जाती है, वैसे धरती फटती है और नीचे अविची नरक में चली जाती है। यानी बुद्ध जो अहरंत होते हैं उनको थोड़ा भी कोई कुछ ऐसा उल्टा सीधा करता है तो तुरंत फल मिल जाता है, यानी उससे तो मुक्ति नहीं है। यानी अविची नरक में जाते तो कम से कम एक अत्कल्प भर तो वहीं रहते हैं, इतना कर्म का फल होता है। यानी जो भी अहरंत लोग होते हैं या प्रत्येक बुद्ध या जो भी भिक्षु होने उनके साथ हमें अनुचित व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि उसका फल तुरंत मिलता है। हमारा वो काम नहीं है कि अगला व्यक्ति कैसा है, उसके दोषों को नहीं देखना है। हमारा काम, हमारा जो काम है वो अपना काम करे, उसका काम वो जाने। यानी ऐसे इस तरह एक बार क्या होता है कि एक पूर्णिमा के दिन रहता है और सारे पुत्र ऐसे मुंडन करते हैं। मुंडन करने के पश्चात दो यक्ष रहते हैं, तो दो यक्ष रहते हैं, तो एक यक्ष क्या बोलता है, मुझे तो इस सारे पुत्र के सिर पर प्रहार करने की इच्छा हो रही। वो क्या बोलता है, मुझे इस श्रमण पर मुंडन ऐसा प्रहार करने की इच्छा हो रही। तो दूसरा वो यक्ष कहता है, अरे मत मार तू, ये लोग बड़े रिद्धिशाली होते हैं। फिर भी वो दूसरी बार पुनः बोलता है, मुझे तो इस श्रमण पर ये मारने की प्रहार करने की इच्छा हो रही। दूसरी बार वो परामर्श देता है, अरे मत मार, ये लोग बड़े लोग रिद्धि सिद्धि वाले होते। तीसरी बार भी हुआ, फिर भी उसने सुना नहीं और मार ही दिया। और प्रहार इतना बड़ा था कि यदि एक हाथी को मारते तो हाथी जमीन के अंदर जाता था, इतना बड़ा प्रहार। अगर पहाड़ पर अगर मारते तो पहाड़ ऐसा अंदर धसक सकता, इतना बड़ा प्रहार था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ उन, और ये सब दिव्य दृष्टि से महामुगलैन देख रहा था। अरे ये इतना बड़ा प्रहार मारा और फिर भी सारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ। महामुगलैन आते हैं और पूछते हैं, मित्र तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बोले मैं ठीक हूँ, थोड़ी सिर पे थोड़ी सी वेदना हो रही है। आश्चर्य है बोले, वो यक्ष ने इतना बड़ा प्रहार किया कि बोले ये जो पर्वत है वो अंदर धस सकता, इतना बड़ा, और आपको कुछ नहीं हुआ, कितने आप रिद्धिशाली है बोले।
तो सारे पुत्र बोलता है महामुगल, और आप कितने रिद्धिशाली, बोले आपके पास तो यक्ष फटकने की हिम्मत नहीं करता, बोले एक दूसरे की ऐसी उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जैसे ही प्रहार करता है वो यक्ष क्या बोलता है, मैं जल रहा हूं जल रहा हूं, ऐसा बोला और तुरंत वो भी अविचि नरक में चला जाता है। यानी ऐसे लोगों के साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो तुरंत फल मिलता है। तो ये चिंचा नामक भी वैसे ही वो नीचे चली गई। भगवान ने कहा भिक्षु ये जो चिंचा नाम की महिला ने मुझे ऊपर दोषारोपण किया वो मेरे ही कर्म का फल है। ये फिर भगवान ने बताया कि एक बार वे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और ऐसे 400-500 शिष्यों के साथ रहते थे, तो एक भीमकाय नाम के ऋषि आए हुए थे। तो उन्होंने ये बोला था अरे ये ऋषि तो काम भोगी है, ये तो केवल ऐसे ही नकली है, ऐसा करके उस पर मैंने दोषारोपण किया था। इस कर्म का फल है कि मेरे ऊपर इस बार ये दोषारोपण किया गया। भगवान ने कहा भिक्षु ये कर्म तो पीछा नहीं छोड़ता, ऐसे भगवान ने बताया। सच्चं विहाय मति सच्चकवाद के तुम वादाभिरूपित मनं अति अंधभूतं पय्याप दीप जलितो जित्वा मुनिन्दो दन्ते जसा भवतु ते जय मंगलानि। तो ये सच्चक नामक परिव्राजक रहता है। परिव्राजक मतलब जो ग्रह त्याग करके साधु सन्यासी होते थे उनको परिव्राजक बोलते थे। तो वो बड़ा वाद विवाद करता था। मैंने भगवान के समय कितने लोग वाद विवाद करने आते थे, असत्यवाद के पोषक, अभिमानी और सत्य से विमुख, सत्य भी नहीं असत्य, अभिमानी, वाद विवाद, अहंकार, इस तरह से वो मूर्ख था। तो भगवान ने कैसे जीत लिया, प्रज्ञा रूपी प्रदीप करके, प्रज्ञा का प्रदीप जलाकर उस सच्चक नामक परिव्राजक को जीत लिया। और भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। नंदोपनंद भुजगं विविधं नहिद्धि न थेर भुजगे न दमापयन्तु इदुपदेश विदिना जित्वा मुनिन्दु तन्ते जसा भवतु ते जय मंगलानि। तो ये नंदोपनंद नामक भुजंग रहता है और ये भी बड़े रिद्धि सिद्धिशाली होते हैं। अब उसको जीतना था तो भगवान ने महामुगलायन को भेजा और उसका दमन करके ऐसा भगवान ने आदेश दिया। तो ये महामुगलायन जाते हैं तो वो नंदोपनंद नामक जो भुजंग रहता इतना रिद्धिशाली रहता है, तो जो जो वो करता था वो महामुगलायन करते थे। मतलब दोनों में ऐसा चला कि युद्ध चला, ऐसा समझ लीजिए। वो ऐसा मुंह से अग्नि निकालता था तो फिर महामुगलायन भी अग्नि निकालते थे। वो धुआं फेंकता था तो महामुगलायन भी धुआं फेंकते थे। वो जो जो करता था वो ये महामुगलायन करते थे। अंत में उसको दमित कर दिया और रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से उसको भी दमित किया। उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। दुर्गाह देखि भुजगे न सुदाट हतं ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमिधि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दु त
कंते जसा भवतु ते जय मंगलानि। तो रोज की तरह भगवान सुबह उठे, मैत्री भावना का अभ्यास किए और देखा कि आज किसको उपदेश करना है। तो भगवान के जाल में बक नाम का ब्रह्मा आया। ब्रह्मा को ये मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई थी, जैसे अपन लोग देखते हैं और अपन क्या सोचते हैं, ये कीड़े मकोड़े का कोई जीवन है, जन्म लेते मर जाते, अपन ऐसा सोचते। देवता लोग सोचते ये आदमी भी कोई आदमी होते, जन्म लेते मर जाते हैं, क्योंकि अपन उनके लिए अपन तो कीड़े मकोड़े हैं, अपने आप को अपन बुद्धिमान समझते हैं, कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। वो ब्रह्मा सोचता है ये देवता लोग भी कोई देवता होते, ये भी जन्म लेते मर जाते हैं, सब ऐसा ही सोचते हैं। तो ये बक नाम का ब्रह्मा भी यही सोचता है कि सारे लोग मरते हैं, मैं अमर हूं, मैं स्थायी हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं। तो भगवान सीधा जैसे सिकड़ी बाहों को फैलाए, फैली बाहों को सिकड़ ले, इतने देर में ब्रह्म लोग गए। तो ये बक नाम का ब्रह्मा बोलता है, हाँ मनुष्य लोक से आया है, थोड़ा रिद्धि सिद्धि वाला है, आइए आपका स्वागत है, बोलते हैं। फिर वो कहता है भगवान, अरे ब्रह्मा तुम मिथ्या दृष्टि में है, तुम ऐसा सोच रहे हो कि सब लोग जन्मते हैं मरते हैं, मैं शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, बल्कि तू भी मरने वाला है। भगवान क्या बताते, तू भी मरने वाला है। तब भी वो विश्वास नहीं करता। तो वो बग ब्रह्मा कहता है कि बताओ मेरे बारे में जानकारी बताओ। तब भगवान उस बग ब्रह्मा के बारे में सारा चीज बताते कि एक समय में वो ब्रह्मा बोलता है मेरे पूर्व कर्म क्या थे जरा बताओ। तो भगवान बताते हैं, एक जन्म में तू ऋषि के रूप में पैदा हुआ था और रेगिस्तान में ध्यान कर रहे थे, 500 लोग ऐसे यात्रा कर रहे थे, उनके पास यात्रा करते करते उनके पास का भोजन और पानी समाप्त हो गया था, वो अभी प्यास से मरने वाले थे। तो तूने ऐसा सोचा, बोले उस समय जो ध्यानी था, अरे मेरे जीते जी ये लोग नष्ट न हो जाए, तो रिद्धि से उसने पानी निर्माण किया था और 500 लोगों को प्यास बुझाया था, वो तुम्हारा पूर्वकर्म है। तो ब्रह्मा बोलते हैं हाँ ये बात सत्य है। तो ऐसा एक एक भगवान ने ब्रह्मा के बारे में बताया कि एक समय में तू गंगा नदी के किनारे ध्यान कर रहा था, दो चार मन चले युवक नाव में बैठ के ऐसे मांस मछली खाते थे और ऐसा जूठन फेंकते थे, तो वहां पे एक नागराज रहता था, उसके सिर पे वो टकराता था, वो क्रुद्ध हो गया, मैं इन चारों को नष्ट करूंगा। लेकिन तुमने सोचा अरे मेरे देखते देखते ये लोग नष्ट न हो जाए, तो अपने बल से उस नागराज को हटा दिया था, ये तुम्हारा पूर्वकर्म है। ब्रह्मा बोलता है ये भी बात सही है। ऐसा फिर एक बार बताया, मैं कल्प नामक तुम्हारा शिष्य था, तुमने ये ध्यान किया, उस ब्रह्मलोक में आ गए, मैं इधर आ गया। ब्रह्मा बोलता है ये भी बात सत्य है। तब भी वो विश्वास नहीं करता बग ब्रह्मा, नहीं। तो फिर भगवान कहते कि ऐसा करते हैं, इस समस्त ब्रह्मलोक में या कहीं भी समस्त ब्रह्मांड में तू कहीं भी छुप जा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तो ब्रह्मा छुपता है, भगवान उसको ढूंढ निकालते हैं। और भगवान बोलते मैं छुप जाता हूं, तुम ढूंढ के बताओ। अब भगवान तो निर्वाण में चले गए, निर्वाण तो उसको मालूम ही नहीं। तब वो बग ब्रह्मा हारता है। तब ये ज्ञाना गदे नवीदिना, बग ब्रह्मा को ज्ञान रूपी औषधि से जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। तो इस तरह के ये भगवान के जीवन काल की ऐसे तो ढेर सारी है, लेकिन जो मोटी मोटी जो है ये जयमंगल अट्ठ गाथा में ली गई है। और इसमें एक और गाथा हमने नहीं जोड़ा है, उसमें लिखा है कि यदि कोई ये गाथा कंटिन्यूस रोज बोलता है, एतापि बुद्ध जय बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा, यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी, हित्वान नेक विविधानि चुपद्धवानि, मोक्षं सुखं अधिगमे नरोस पयो। उसकी शर्त है आपको रोज बोलना है। तो भगवान कहते हैं मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। शर्त क्या है, आपको रोज बोलना है, एक दिन भी अगर गैप हो गया तो नहीं चलेगा। यू जय बुद्ध अंग जय मंगल अट्ठ गाता, यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी, मंद बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता। हित्वान अनेक विविधानी, विविध प्रकार के
उसको लाभ है और मोक्ष और सुख और सारी चीजें मिल जाता है। तो चले एक एक गाथा एक एक बोलिए आगे से। नेक्स्ट बारी किसकी है? माइक किसके पास है? हाँ बोलिए। हेलो। बाहु सहसम अभिनिमित सावधंतं बाहु सहसम अभिनिमित सावधंतं मेघं उदित घोर सस गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिनं विदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि अन्ते जसा भवतु ते जय मंगल। नेक्स्ट। चलिए आपके उच्चारण ठीक है। मारातिरेकमदि सपरति घोरं पनालवक मक्खयति लवक माक मदत्तयकं खन्ति सुधन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो खन्ति सुदन्त विधिना चित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अभिमेत भूतं नालागिरि गजवरं अतिमात भूतं दावधिक चक्क समिनं सुखदारुतं मेतांबुसेक विदिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगल एक एक अक्षर पढ़ना है। आप करना कुछ नहीं। चक मास नीव है ना, KG1 के जैसे बच्चे पढ़ते हैं, हमको KG1 पढ़ना है। ठीक है। आगे बोलिए। उखीत खगति हम सुधराणुतम धावन्ति योज पद्ध गुति मालवन्तम् इद्धि भसिंग मन्तनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि और उच्चारण की आवश्यकता है। आपको एक एक शब्द पढ़ना है। इद्धि भी संखत मानो ऐसा पढ़ना है। कोई कठिन कुछ नहीं है। एक एक शब्द पढ़ना है। हमने पहले बताया भगवतो अरहतो, कोई कठिन है क्या? वैसे ये शब्द पढ़ना है ना। चले आगे। त्वा न कट
कट्टमुदरं इव गब्बिनीय कत्वान कट्टमुदरं इव गब्बिनीय चिंचाय दुट्ट वचनं जनकाय मज्जे चिंचाय दुट्ट वचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विदिना जितवा मुनिन्दो संतेन सोम विदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। इन्होंने जैसे उच्चारण किया ऐसे ही सभी को करना है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा आप नहीं करेंगे, वे दूसरों को सिखा सकते हैं, यानी स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, सही मात्रा बिंदी उच्चारण सब ठीक ठाक होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सच्चं विहाय मति सच्चक वाद के तुम सच्चं विहाय मति सच्चक वाद के तुम वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यां प्रदीप जलितो जितवा मुनिन्दो पय्यां प्रदीप जलितो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नेक्स्ट नंदोपनंद भुजंग विधि विविध महंदी नंदोपनंद भुजंग विविध महिद्धि पुते न थेर भुजगे न दमाय पंतो पुते न थेर भुजगे न दमा पयंतो युद्धोपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो युद्धोपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि दुग्गाह दुष्टित भुजंगे सुदट्टः दुर्गादिष्टि भुजगेन सुदट्ट हत्तं ब्रह्मा विशुद्धि ज्युतिमिन्द बकाभिधान ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमिन्द बकाभिधान यानागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो ज्ञानागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तं तेजसा भवतु ते जय। चलिए अब थोड़ा 5 मिनट विश्राम कर लेते हैं, सभी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं साधु साधु साधु।